जब तलाक एक ही दफा में 3 टाइम बोल दिए, दो गवाह को रखो, क्या वो तलाक हो जाती है क्या? जी देखिए सिस्टर, पहली बात तो ये कि तलाक देने के लिए गवाही रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि गवाही की शर्त उन चीजों में होती है जिनमें सामने वाले की रजामंदी जरूरी हो। जब मर्द तलाक दे रहा है तो ऐसा नहीं है कि औरत जब उस तलाक को एक्सेप्ट करेगी तब तलाक होगी। मर्द ने तलाक दे दिया तो तलाक वाकई हो जाएगी, लिहाजा तलाक पर गवाह बनाना जरूरी नहीं है। ये पहली बात। दूसरी जी बात यह है कि तलाक देने का जो शरई तरीका है वो ये कि औरत को एक तलाक दिया जाए, उसने अब वो एक तलाक देने के बाद दूसरी तीसरी चौथी दसवीं बार जितनी बार बोले उसका कोई फायदा नहीं है। उसने जब एक तलाक बोल दिया, तलाक वाके हो गई, वो औरत मुतल्लका हो गई, अब बार बार उसको तलाक बोलने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि जिसका तलाक ऑलरेडी हो चुका है उसको आप तलाक क्यों दे रहे हैं? तो शरई तरीका यह है कि उसको एक तलाक दे। अगर कोई आदमी गलती करता है और उसे कई तलाक देता है तब भी वो एक तलाक ही वाके होगी।